का चौथा दिन और शुरुआत पूरी तरह से हंगामेदार। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से राजद के विधायक सदन के गेट पर किस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम उन मुद्दों को लेकर पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं। साथ में उस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाए हुए हैं और कहना ये है कि हवाई सर्वेक्षण सिर्फ कहते हैं और ज़मीन पर उतर कर जो है वो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो मुख्यमंत्री उस तरीके से नहीं जाते हैं पूरी तरीके से। इस पर जो है वो साथ ही साथ लगातार बिहार में बाढ़ की स्थिति है, बालू खनन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर कई ऐसे मुद्दे को लेकर लगातार सदन में विपक्ष जो है वो हमला है। लेकिन जिस तरीके से बात कर ले कि विधायकों की मारपीट की बात के बाद कल जिस तरह से बहस हुआ है तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्योंकि बिहार में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और इसको देखते हुए जो विपक्ष है उसने कहा है कि आज जो सदन है सदन में काफ़ी हंगामा होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से बालू खनन हो रहा है और जो सरकार ने रेट तय की है 4000 बालू की, तो वो जो है वो 4000 में बालू नहीं बल्कि 40000 में एक ट्रक बालू मिल रहा है। इस तरीके का बयान जो है और इस नारेबाजी जो है वो लगातार राजद के जो तमाम विधायक हैं वो कर रहे हैं। राजद के विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ और सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं, ज़मीन पर नहीं उतरते हैं। जिस तरह से जो तेजस्वी यादव उतरते हैं, ज़मीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़मीन पर उतर कर नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं। कई इलाके जो है वो बाढ़ से ग्रसित है। साथ ही साथ मुकेश रोशन ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार बालू खनन हो रहा है और उसको लेकर तमाम जो रेट है सरकार कह रही है कि 4000 है लेकिन 40000 के पार जो है वो बालू का दाम है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश रोशन और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है राजद वो देखो। बाढ़ आया हुआ है और कोरोना एक तरफ का अलग अपने चरम पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और बिहार का लोग जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी जो है आज तक ज़मीनी सर्वे करने का काम नहीं किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे करने का काम करते हैं। इस बीच में जब आप देखिएगा कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लोगों के बीच जाकर करके और ज़मीनी हकीकत देखने का काम करते हैं, अस्पताल में निरीक्षण करने का काम करते हैं, चाहे वो बाढ़ में लोग फंसे हैं उनके बीच जाने का काम करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बस हवाई सर्वेक्षण उड़न खटोला पर घूमने का काम करते हैं। पूरे बिहार में बालू घोटाला चल रहा है, जदयू के नेता हैं बड़े नेता आरसीपी टैक्स दे कर करके और बालू घोटाला सरकार के नाक के नीचे चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन जदयू के नेता हैं जो बालू घोटाला में शामिल है। तो आप लोग क्या मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? हम लोग मांग करते हैं जो बालू घोटाला में शामिल हैं उन पर जाँच हो, उनकी संपत्ति की जाँच हो, आखिर कौन है जो आरसीपी टैक्स दे कर करके और बालू का माफिया बने हुए हैं। पूरे बिहार में देख लीजिए आप कि बालू माफिया जो है वो 4000 जो सरकार कह रही है कि 4000 सरकार रेट तय की हुई है, कहाँ 4000 में मिल रहा है, किस दुकान में मिल रहा है 4000 में बालू? बालू का रेट जो है वो 40000 में मिल रहा है ट्रक, ये हाल है। देना होगा, देना होगा, देना होगा।